विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद छछरौली अनाज मंडी में बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। रैली कृषि मंत्री कंवरपाल की तरफ से आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी सरकार के 10 साल की उपलब्धियां लोगों को गिनवाई। इस दौरान उन्होंने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हुड्डा साहब हिसाब मांगने के लिए पता नहीं कहाँ से आ गए। हम तो लोगों के बीच में हिसाब देते हैं। हुड्डा और दीपेंद्र दोनों बापू बेटा हिसाब मांगते घूम रहे हैं। कुमारी शैलजा तो बांटने खाने की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी की 10 साल की सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट की है। छछरौली की बाबा बंदा सिंह बहादुर की तपोभूमि है, यह माँ सरस्वती की भूमि है। 4 अक्टूबर को भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। चुनाव का शंखनाद हो चुका है और यह शंखनाद केवल चुनाव का नहीं है, यह शंखनाद हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का शंखनाद हुआ है। भाइयों, मैंने अभी चर्चा की है कि कंवरपाल जी इस क्षेत्र के बारे में जो काम हुए हैं वो हिसाब आपको दे रहे थे, आपको बता रहे थे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो नहीं कुछ है तो यही एक सुस्सा छोड़ दो। कहा भाई ईसा मांगो यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, अरे इनको कोई समझाए भूपेंद्र हुड्डा को, अरे हुड्डा साहब हम तो हर साल हिसाब देते हैं जनता के बीच में जाकर के, तयाज हिसाब मांगने के लिए आ गया। अरे ये 10 साल का साहब दे दिया कंवरपाल ने यहाँ का। मैं हैरान था इस बात से, जितने काम किए हैं। और भाइयों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका कार्यक्रम भी यहाँ तय हो गया था। हमने सारी की सारी उसका टेंडर भी हो गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास करना था। हमारे यहाँ पर जो ये थर्मल पावर लग रहा है 7,000 करोड़ रुपए का, हमने उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करवाना था। ये आचार संहिता लग गई तुरंत, उसकी सारी की सारी तैयारी है। मैं ये हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूँ कि आपने 10 साल के अंदर क्या 7,000 करोड़ रुपए भी खर्च करे विकास कार्यों पे, उनके काम बताने का काम करे, उनके बारे में बताने का काम करे, ये हिसाब मांगते। अरे जिनकी बही खाते खराब है, जिनकी बही पटी पड़ी है और जिन्होंने अपने कागज जलाए दियो, भाइयों हिसाब मांगते फिर रहे हैं, बापू बेटा घूम रहे हैं, दोनों और कोई नहीं है, बापू बेटा है। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है वो लड़ाई वैसी नहीं है, लड़ाई उनकी है। कहा जो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जीम जा, मनु धंधा नहीं है कहा कुछ, ये इसकी लड़ाई है इनकी। और ये लड़ाई बांटने की है कांग्रेस की, और इसी कारण से दो गुट बने हैं, ये सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, और एक तरफ बापू बेटा, एक तरफ ये सुरजेवाला और शैलजा, इनकी लड़ाई बांटने खाने की है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। सपने देखते हैं, ये सपने देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और लोगों का जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको भ्रष्टाचार के रूप में जेब में डालने का काम करेंगे, इसके सपने देखते हैं। परंतु हमारी 10 वर्ष की सरकार ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक गहरी चोट की है, और जब उसके ऊपर गहरी चोट हुई है तो इनका पेट खराब हो गया कि भैया